एक घर के दो नौजवान, एक पहला नशे ना पूरा होता तो एक वो भोग तो पहला ही वो भी पूरा हो जाता। तुम इन मापिया की हालत देखो, अपना कानून घड़ाया जाए कि बेदबी रोकनी किमें। सरकार ये काम च असफल हो गई ने, सरकार के हाथ पले कुछ नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मंत्री आप आ के कही जाते हैं भी सा असं ये नहीं कर सकते कुछ, उन्होंने एक मंत्री कहता डेढ़ महीना समा दे दो, तो डेढ़ महीने का समा दिता है, उस तो बाद पंथ कट्ठा होकर गुरमता करे। जोड़ा वेख रहा जे तो थोड़े बस की गल नहीं बंद करना, फिर असं तो करावे, पर फिर तुम चीकां ना मारियो कि तुम जे हम जवान नौजवान नहीं रहे तो संघर्ष करना करना, अपने हकों की गल ता करा जो कि जवानी बजूगी। नशा दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारदा होया नजर आ रहा है। वधदे नशे दे कारण पंजाब दे कई घरां दे चिराग बुझ चुके ने। परिवार च माँ प्यो रोंदे करलोंदे हुए नजर आउंदे ने। सब तो वड्डा सवाल फिर खड़ा हो जांदा है कि आखिरकार पंजाब चो नशा खत्म कदों होवेगा। इस ही तरह तरन तारण दे विच दो सके भरावां दी नशे नाल हुई मौत तो बाद माँ बाप रोंदे करलोंदे हुए नजर आ रहे ने। तो उन्हां दो सके भरावां दे माता पिता दे नाल अमृतपाल सिंह हुणां दे वलों मुलाकात की गई। मुलाकात दे दौरान अमृतपाल दे वलों एक गल आखी गई है कि हुकूमतां नूं मैं सवाल करना चाहुंदा हाँ कि एक पासे तुसीं वड्डे वड्डे दावे कर रहे हो कि मैं नौजवानां नूं भड़का रहा हाँ। ये नौजवान जिन्हां दे घरां दे घर खाली हो गए ने। अमृतपाल ने हुकूमतां नूं सवाल किया है कि जेकर हुकूमतां नशा बंद नहीं करवा सकदियां तो फिर असी अपने तरीके नाल नशा बंद करवावांगे, फिर ये बाद विच चीका ना मारियो कि ये तुसी केड़े तरीके नाल नशा बंद करवा रहे हो। अमृतपाल दे वल्लों ये भी गल आखी गई है कि नशा एक अजिही चीज़ है जो व्यक्ति नूं अपना होश भुला दिंदा है कि मेरा फायदा नफा ते नुकसान की है, पर अपने माँ प्यो वल झाती मारो, अपने बच्चों के वल झाती मारो कि वह साडे तो बाद किहड़े हालातों च गुज़र। अमृतपाल का कहना है कि जेकर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो फिर संघर्ष किहदे नाल करना, अपने हक्कां दी गल तद ही होएगी जेकर जवानी बचेगी। तो एक तरह के नाल अमृतपाल दे वल्लों प्रशासन नूं चेतावनी जारी कर दित्ती है कि जेकर तुसीं नशा बंद नहीं करवा सकते तो फिर हुण असीं अपने तरीके दे नाल नशा बंद करवावांगे। तो देखा जाए नशा लगातार ही अपने पैर पसारदा होया नज़र आ रहा है। दिन प्रतिदिन वधदे हुए नशे दे कारण घरां दे घर दे विच चिराग जिहड़े बुझदे हुए नज़र आ रहे ने। तो हुण एक तरह दे नाल अमृतपाल सिंह दे वल्लों फिर तो प्रशासन नूं चेतावनी जारी कर दित्ती है कि जेकर तुसीं नशा नहीं बंद करवा सकते तो हुण असीं फिर अपने तरीके नाल बंद करवावांगे। पहला तो जिहड़ा हालात है पंजाब दे वो प्रतख हो जाते इस घर तो कि पंजाब दे विच की कुछ वापर रहा। एक घर के दो नौजवान, एक पहला नशे ना पूरा होंदा तो एक वो भोग तो पहला ही वह भी पूरा हो जाता। तुसीं इन्हां मापिया की हालत देखो। सो हुकूमतां नूं मैं पुछना चाहुंदा कि एक पासे असीं दावे करदे फिरदे हां वड्डे वड्डे कि पंजाब दे विच मैं नौजवानों नूं भड़का रहा, ये जिहड़े नौजवान घरां च घरां दे घर खाली हो गए ने, आ छोटा जिहा उहदा पुत्तर है एक धी है, हुण इह हुकूमतां नूं पुछना चाहिए भी नशा जिहड़ा विक रहा है जे तां तुहाडे वस दी गल नहीं इहनूं बंद करना, फिर असीं तां करावांगे, पर फिर तुसीं चीकां ना मारियो कि तुसीं किहड़े तरीके नाल करा रहे जो किवें करोगे। मैं जदों पिंडां च जाना नौजवानां नूं अपील करदा अज्ज कि इह घर दी हालात तुसीं वेखो, जिहड़ा नशा है वह बंदे नूं होशोवास भुला दिंदा भी मेरा फायदा की नफा की नुकसान की है, पर अपने माँ प्यो वल झाती मारो, अपनी कौम वल झाती मारो कि साढ़े माँ प्यो साढ़े धियां पुत किहड़े हालातां च गुजरनगे बाद च, ते साडी कौम जे हुण जवान नौजवान नहीं रहे तो संघर्ष करना करना, अपने हकों की गल ता करा जो कि जवानी बजूगी। सो नौजवानों इस गल के उत्ते तहैया करो कि यह छड्या तंगी तो तुहानू आउणी है, पर घट्टो घट अपना निश्चा करो मन ये अपने इन्हां माँ प्यो वल वेखो भी ये इन्हों का की जीवन है मगरों। सो सारिया का ही इदा है जेडे कर रहे उन्होंने सगों ज़्यादा माड़ी हालत है, उन्होंने घर लड़ाई झगड़े कुटमार पैसों को खोना फिर बाहर जाके लुटा करनी है, ये सब कुछ नशे से फसे हुए नौजवान करते हैं। उन्होंने अपील है बड़ी निम्रता सहित बेनती है कि मैं हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती करदा भी तुसीं मुड़ो घर तो गुरु के सिख बन के मुड़ो, जी आप गुरु भाई लहर चलाई है वह भी अर्थ यही मैं मिलता भी आप सारे एक दूजे के भरा हैं,
ਤੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10-20 ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ